का सुबह के हो गए 7 o'clock और आज जाना है स्कूल को, संस्कृति को स्कूल छोड़ने जाना है और मुझे ऑफिस जाना है। बहुत सारा काम ऑफिस में आज, बहुत हैट्रिक होने वाला है। चलो चलते हैं, संस्कृति को पहले जगाता हूँ, वो ब्रश करेगी, फिर इसको स्कूल छोड़ गए, फिर मैं घर से तुरंत ऑफिस चला जाऊँगा। संस्कृति हाय बच्चों, अभी हम ब्रश कर रहे हैं टीटो ब्रश और तुम लोग को सीखता है ब्रश, ठीक है? चलो करते हैं। पहले हमें बस चैन चैन करना है, मतलब चैन, अगर चैक कर देंगे ब्रश तो हमें चैक करते हैं, ठीक है? तो एफर्ट कैसे, पहले लास्ट वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और आज ब्रेकफास्ट में ए है, आई थिंक क्या बोलते हैं, फारा, हम लोग फारा बोलते हैं। फ्राई की हो क्या? सुषमा ने तेल में फ्राई कर दिया इसको तो और टेस्ट बढ़ गया है, अच्छा चटनी के साथ तो मजा आ रहा है। बाय, एक भी अपना जा रहे हैं, दोनों लोग बाप बेटी, एक लोग ऑफिस जाएंगे, वो स्कूल जाएंगे। दोपहर मिलेंगे। ओ स्वीट बेबी, अपना कैब ली हो? संस्कृति के स्कूल आई थी लेने संस्कृति को, इनके पापा सुबह छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग अब घर जा रहे हैं, धूप भी बहुत तेज है। सब लोग चले गए ऑफिस से, मैं अकेले बचा हूँ। आज जल्दी घर से निकला था तो काम बहुत सारे थे, ऑफिस से खत्म हो गया अभी काम, मैं भी अभी निकलने वाला हूँ घर से, तैयारी करता हूँ, निकलते हैं घर के लिए। सुषमा पता नहीं घर पे क्या क्या कर रहे हैं। चलो संस्कृति, आपने स्कूल में क्या बोला? चलो बेटा जल्दी। पाउस। पाउस कैसे बोला आपने? पहले हम पाउस पढ़ेंगे बच्चों, देखो हमारा पाउस है और ये हमारा लेटर, तो लेट्स स्टार्ट। पाउस पंतोरी जी, बीन बास्ते जी, जी गारा पत्ता टप टप, बेचू चला पुट पुट, बट आई नीड द स्ट्रेंथ टू बी हैप्पी। इनका कविता था, मराठी का बोलना था तो इन्होंने आज बोला। और क्या बोला बेटा दूसरा वाला? और काम जोर से चल रहा है, हमारा तो काम खत्म हो गया, मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया। कंटिन्यू रन, कंटिन्यू जो काम पे बैठते हैं ना तो आवाज चेंज हो जाती है, इसी मेरा लास्ट चल रहा है, इसमें सिर्फ साउंड डालना है। आई डोंट नो आप लोग एडिटिंग के बारे में, जिसको पता होगा उसको आइडिया होगा टाइम लाइन के बारे में, और थोड़ा म्यूजिक है तो मैं सोचता हूँ कल आगे कर दूंगा। तो अभी बंद करते हैं, घर पे निकलते हैं। अभी मैं बंद कर दिया सिस्टम सब, ऑफिस बंद। आज मैं अभिषेक जी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बोरोली जाना है मुझे कार में, गाड़ी सामने ही खड़ी है, आज जा रहे हैं ऑफिस के कार से। ये पाठक जी हमारे हैं जो पूरे लॉकडाउन में उन्होंने हमें घर तक तो नहीं, भाईंदर तक छोड़ा है और वहाँ से फिर जंगल से उठे निकल जाता। सिग्नल लगा हुआ है और ये है ओबराय मॉल के सामने का सीन, मतलब मैं हम लोग हैवी पे पहुंचने वाले हैं अभी, ठीक साथ ही स्लो गाड़ियां चल रही है। शाम का 5:30 बज गया, हम लोग सोए थे, अब सो के उठ गए, बेबी भी सो के उठ गई है। 6-7 बजे के पापा ऑफिस से आ जाएंगे, फिर हम बोले कोई चीज शाम के लिए खाने के लिए। प्रीति सो के उठी है ये भी, तो अभी इनका तो दिन भर यही चलता रहता है, घुमरी करती रहती है। संस्कृति का दूध तैयार हो गया है तो इनको दूध और बिस्किट ले जा रही हूँ देने को। ये वाला फ्लावर अच्छा लगता है ना, जिसमें कोई कैद होता था। मम्मी मैं कहानी सुना उसके बारे में, ये बहुत छोटा था उस समय, फिर वो राक्षस के लोग राक्षस में बढ़ के सबको खाने लग रहे। एक लड़की उस पे गई, फंस गई तो वो अंदर गिर गई, तो फिर उसने आगे सोचा कि वो राक्षस को मार के चली गई, भाग गई। लो अच्छा दूध पियो, हो गया कहानी सुन गई ना, दूध पी लो, बिस्किट खा लो, देखो गिरना नहीं चाहिए दूध। बाबू का मालिश का टाइम हो गया तो मैं अभी मालिश कर लेती हूँ।
पहले पीछे का भाग मालिश कर देती हूँ। ओके, इनका मालिश हो गया, पापा इनके आने वाले हैं। गाइस हम लोग अभी हाईवे से होते हुए जा रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से बोरोली स्टेशन, क्रॉस करना है मुझे, गाड़ियाँ कंटिन्यू आ रही हैं अभी यहाँ से, अभी भागो रोड पे ही छोटे छोटे मतलब लगा के रखे हैं दाना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, और सामने ही गोरे स्टेशन है, बस भी आ गई, बस तो मेरे पीछे पीछे चल रही है। कैसे किलो है? 80 रुपये, सस्ता होगा तो लेंगे, अभी महंगा है, 80 रुपये किलो मटर, ग्रीन चिल्ली पॉपकॉर्न, दुकानें इवनिंग में ही रोड पे लगाते हैं, वाह पॉपकॉर्न खुशबू आ रही खाने की, जहाँ से गुजरोगे जो खाने की चीज़ रहेगी उसकी अलग अलग खुशबू आ रही है, चल के आने का मज़ा ही अलग है भाई, यही आप गाड़ी में आओगे बस में आओगे तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा, कलरफुल क्या लग रहा है मार्केट, वेरी क्राउडेड, अब ज़्यादा देर चल नहीं सकते क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत पब्लिक है, तो देखते ही जा रहे हैं जो तो देखने क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत बहुत बस के बीच से जाते हुए, भाई साहब बस खड़ी है कंटिन्यू, इसका मतलब स्टेशन आ गया, जल्दी निकल जाओ भाई, इधर बस के लिए लोग खड़े हैं यहीं से, और यहाँ से हम इंटर करेंगे बोरोली स्टेशन, उधर जाना है तो आई थिंक ब्रिज से जाना पड़ेगा, स्टेयर से जाना पड़ेगा, स्टेशन से बिल्कुल बाहर निकलते ही आपको दिखेगा सूट पॉलिश करने वाले लोग, अगर आपको सूट पॉलिश कराना है तो यहाँ से करा सकते हो। लिफ्ट भी, लिफ्ट से भी जा सकते हैं, 528 का फास्ट है, वक्त 1 मिनट में आ रही है, आ भी गई, ये जाएगी ट्रेन लेकिन मैं जाते ही चालू हो जाएगी, क्राउड भी है, गर्दी ज़्यादा है तो नहीं जाऊँगा, काम कर रहे हैं 535 इस पर ट्राई करते हैं, ये नहीं मिला तो ये वाला ट्राई करेंगे 533, लेट्स गो भाव भाई, प्लेटफॉर्म पे आ गए, अभी ट्रेन आई नहीं है, ज़्यादा लोग हैं नहीं क्योंकि जल्दी आ गया, लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, तब से 1 मिनट दिखा रहा है लेकिन 2 मिनट हो गया ट्रेन आई नहीं, आगे भाग के करना पड़ेगा, ट्रेन छोटी है, भागो भागो सब लोग, अरे अरे क्या है ये तो पब्लिक चढ़ नहीं पाना, मैं डबे में ऐसा रहेगा तो हो गया यहाँ आते आते, ये क्राउड है, यहाँ से तो अलग ही व्यू दिख रहा है नाएगा स्टेशन का, अभी यहाँ ज़्यादा पब्लिक नहीं है तो मास्क निकाल सकते हैं, नो नीड टू मास्क, अभी क्या मस्त हवा लगेगी यहाँ पे, मज़ा आएगा वॉक करने में, काफ़ी लोग वॉक करके आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही हूँ, काफ़ी लोग वॉक करते हैं, नाएगांव ईस्ट बेस्ट ब्रिज जल्दी कंप्लीट होगा लगता है क्योंकि काफ़ी वर्क खत्म हो चुका है, चलिए यहाँ से भागेंगे थोड़ा दौड़ेंगे, अरे वाह आज लाइट जल रही है रोड पे, तो
वहाँ जाबरा बनाएगी, तो उसने बोला डेयरी का दूध लेकर आओ, तबेले का, ये ज़्यादा अच्छा दूध होता है। उनके पापा ऑफिस से आ गए हैं, चाय उनका पड़ी है, चाय और ये भुट्टा फ्राई कर रही है। काम करता हूँ इस टेबल, उसी टेबल के नीचे संस्कृति का टॉय रख के खेलती है, घर बना के आओ तो ठीक रहेगी, अंधेरे में पता नहीं उसको नींद नहीं आ रही, जब तक मैं नहीं सोऊंगा लगता है इतनी संस्कृति को लगता है नींद आ रही है, सारा सामान कलेक्ट करके रख रही है, अब मुझे लगता है सोने जाएगी। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।